जो बाहर लोग बैठे थे उनको लगा कि भी इनको मार दिया है धर्म के लिए या कुछ भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सारे वापस आए बाहर, जिंदा थे वो सारे के सारे ना, और उन्हीं को उनके शिष्य बताया गया, जो मतलब आगे जिन्होंने धर्म चलाया उनको बताया गया मेनली, और इधर से ही उन लोगों से ही खालसा धर्म की स्थापना हुई थी। आपको एक चीज फिर दिखाता हूँ। अरे कहाँ गया वो? हेलो दीदी। हाँ जी भैया। हाँ जी। हाँ जी। ओए गुड़िया। ये क्या निकल गया? कहाँ से है? बाहर से पटाखे देख रहा था। दिख रहे हैं? हाँ थोड़े और दिख रहे बस। पटाखे देखने गया था रोड। ऐसे बहन जी बन के गई थी? नहीं गाइस, आज तो हमारा गंदा कट गया। सारा रास्ता सब गया, होटल दिखने लग गया सामने, देखो लाइट दिख रही, रोड बिल्कुल क्लीन हो गया। हमने जाना था शादी में, तो यार वो भी कैंसिल हो गया, गलत निकल गया, मौसम ने धोखा दे दिया। या तो पूरी रात फोक रहनी थी ना मैंने, ताकि स्कूलों की भी छुट्टी होती है, ये भी एडवांटेज होती है। अब ये धोखा हो रहा है, भैया जी के साथ भी धोखा हो गया, जो शादी में खाना था जिसने 12 बजे, इसके साथ भी धोखा हो गया, इसकी ये भी शादी में नहीं जा पाया, मेरे साथ भी धोखा हो गया। ये देखो गाइस, वो सारा बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, बाहर से दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो बिल्कुल साफ हो गया, ऐसा लग रहा है। ये देखो पहले कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इसी बात पे गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय गाइस। और हमें चढ़ा दो जल्दी से, स्टार बना दो गाइस, है ना? हाँ, गुड नाइट। लोग गाइस सुबह सुबह आ गए हैं जिम में, ओ ये अर्ली मॉर्निंग। काले गाइस, तो भाई आज है गुरु गोविंद सिंह जयंती, आप सबको गुरु गोविंद सिंह जयंती की शुभकामनाएं। और आज आप जाएंगे गुरुद्वारे में, अपना आज टीम का मेंबर नहीं है कोई भी, तो आप आज हैं अकेले, तो उन सबको मिस कर रहे हैं, वो भी होते तो सारे जाते आज गुरुद्वारे में। गुरु गोविंद सिंह जी का आज वो है अवसर, त्यौहार, जयंती, तो उसकी आज छुट्टी भी है वैसे, है ना? तो शाम को जाएंगे तो आपको दिखाते हैं गुरुद्वारे का सीन। तो गाइस आपको बताया था आज है गुरु नानक देव जयंती, और भाई आप जाएंगे अभी गुरुद्वारे। तो गुरु नानक देव जयंती को हुआ था गुरु नानक देव जी का बर्थडे, गुरु नानक देव जी सिखों के 10वें और आखिरी गुरु थे, उन्होंने खालसा धर्म की स्थापना की थी। और जैसे ये डेट फ्लक्चुएट होती रहती है, जैसे अपनी दिवाली फ्लक्चुएट होती है, ये इसलिए होती है, वो सिख कैलेंडर के अकॉर्डिंगली ही वो बर्थडे मनाया जाता है। तो भाई उधर जाएंगे अभी, और इसको बड़े लोग धूमधाम से मनाते हैं सिख धर्म में ना। और इन्होंने, इनकी एक स्टोरी भी बहुत पॉपुलर है, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने मतलब जब खालसा धर्म की स्थापना की है ना, तो उस टाइम पर कहा था जो भी लोगों की सेवा करना चाहता है और अपने आप को इस धर्म के लिए बलिदान देना चाहता है तो वो आ जाओ। ऐसे करके एक बंदा उठ के गया और इनके साथ रूम पे गया, वो एक कमरे में गए लोग, और खून से धसे हाथों के साथ गुरु गोविंद सिंह बाहर आए। ऐसे फिर उन्होंने दो किया, ऐसे करके 4 से 5 लोग अंदर गए, और ऐसे ही वो हर बार आते रहे, खून से उनके धसे हाथ थे और हर बार आते रहे तलवार के साथ, ठीक है? तो जो बाहर लोग बैठे थे उनको लगा कि भी इनको मार दिया है धर्म के लिए या कुछ भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो सारे वापस आए बाहर, जिंदा थे वो सारे के सारे ना,
और उन्हीं को उनके शिष्य बताया गया, जो मतलब आगे जिन्होंने धर्म चलाया उनको बताया गया मेनली, और इधर से ही उन लोगों से ही खालसा धर्म की स्थापना हुई थी। ठीक है, खालसा धर्म लोगों की सेवा करने के लिए जो पूरा समाज को डोनेट कर दें अपने आप को लोगों का देखें, जैसे आपने देखा ही होगा खालसा एड हर जगह ये काम आते हैं लोग, कहीं पे भी कोई बाढ़ आ जाए कुछ हो जाए, आपको पता है कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है इनका, किसी का नहीं रहता इतना, है ना। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको मोटा मोटा बताया है, बाकी आपको दिखाता हूँ गुरुद्वारे का। इस अब चलते हैं, चलो टू गुरुद्वारा। ओए वाहेगुरु, लेट्स गो। हेलो गाइस, गुरुद्वारा वगैरह सब हो गया, अब कुछ खा पी लेते हैं, बहुत भूख लगी हुई है, चलो चलते हैं, लेट्स गो। हेलो गाइस, खाना खा लिया, थोड़ा वॉक शॉक कर लेते हैं भाई, और बाकी अगेन सबको हैप्पी गुरु पर गुरु गोविंद सिंह जयंती की सारों को शुभकामनाएं। आपको सारा आज मैंने बता दिया जितना मेरे को पता था मोटा मोटा, ठीक है। बाकी बुक्स वगैरह भी हैं काफ़ी, आप उधर से नॉलेज ले सकते हो, है ना, यूट्यूब वगैरह से देख सकते हो। और भाई सिख धर्म का तो बहुत बड़ा ही ये एक त्यौहार है। बस ये हो गया, आज थोड़ा सा दिन में बिजी था, दिन में नहीं जा पाया था, दिन में नहीं तो गुरुद्वारों में ना बड़ा बढ़िया प्रोग्राम होता है, और चंडीगढ़ वंडीगढ़ की साइड तो बहुत बढ़िया होता है। कल दिखाएंगे आपको, कल उधर कुछ रहा, कई बार होता है एक दो दिन एक्स्ट्रा चला देते हैं ना लोग, धार्मिक बड़े हैं तो। ठीक है गाइस, भाई ठंड बहुत हो गई है, आज के ब्लॉग में इतना ही, वही मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ दिखाता हूँ, कुछ अलग, बहुत अलग, और बच्चों के लिए तो स्पेशल आ रहा है। ठीक है, तो आज का दिन बढ़िया रहा अपना, है ना, गुरुद्वारे वगैरह गए ठीक था। अब मिलते हैं कल, कल लेके आएंगे आपके लिए अल्टीमेट चीज़, वेट करना बस थोड़ा सा, कल आपको मिल जाएगा देखने को, थोड़ा सा वेट बस थोड़ा सा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। और गाइस यार प्लीज़ जल्दी से जल्दी हिट कर दो, अब वेट नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है, सारी रात निकल जाती है एडिटिंग में ना। ठीक है, चलो बाकी आपके प्यार के लिए धन्यवाद, राम राम, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।